चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस संबंध में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे इन्होंने अहम बयान दिया। मैं चाहता हूं कि दुनिया में अगर हम देखेंगे तो चाइना की आज स्थिति लॉकडाउन की हो गई है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका और ब्राज़ील, ये देशों में बहुत बड़ी मात्रा में कोरोना की संख्या और कोरोना के मरीज की संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इन देशों के जो आज परिस्थिति है उसके तरफ देखते हुए हमने भी निश्चित तौर पर सतर्कता बरतनी चाहिए। और सतर्कता का महत्व यही होता है कि केंद्र शासन हो, WHO हो, उनकी जो भी एडवाइजरी आती है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली अनुपालन उसका होना चाहिए। जैसा कि 5-fold प्रोग्राम दिया गया है, ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसके अनुषंगिक हमने काम करना ज़रूरी है। और मुझे ये यकीन है कि जो काम हमने पिछले 2 साल में किया है, बहुत बड़ी तादाद में हमने हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स दिए हैं, ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए हैं, तो उन ऑक्सीजन के प्लांट की जो स्थिति है उसका वेल मेंटेन्ड है या नहीं, वो अभी चालू करने के स्थिति में है या नहीं, यह सभी जानकारी रख के वेल मेंटेन्ड स्थिति में रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज जो यहाँ पर पता चल रहा है कि मेडिसिन्स निश्चित तौर पर कम नज़र आ रहे हैं हर हॉस्पिटल्स में, उसकी मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। स्टेट टास्क फोर्स एक नए तरीके से गठित होना चाहिए और जो जो भी लोग पॉजिटिव आज आ रहे हैं उन पॉजिटिव लोगों को सीक्वेंसिंग, उनका जीनोमिक सीक्वेंसिंग होना भी ज़रूरी है। और यही एडवाइजरी केंद्र शासन के स्वास्थ्य विभाग की है। उस एडवाइजरी के तहत राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने और राज्य सरकार ने काम करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, उन लोगों का मार्गदर्शन इस कोरोना की बढ़ती हुई संख्या के माध्यम से हमने सरकार ने भी लेना ज़रूरी है। निश्चित तौर पर हमें जो मुझे कहा गया है या जो मैंने पढ़ा है कि इन्फेक्टिविटी रेट, यह जो आज कोरोना का जो वायरस है उसका बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे बताया गया है। तो अगर इसका सीरियसनेस हमने लेना चाहिए। आज मैं निश्चित तौर पर स्वागत करूंगा केंद्र शासन के इस पहल पर कि उन्होंने बाहर से आने वाले सभी पैसेंजर्स का टेस्टिंग करना शुरू किया है। तो ये जैसा स्टेप लिया गया है उसी तरह से हमने सतर्कता बहुत ज़्यादा तरीके से हमने बदलना चाहिए, क्योंकि पिछला अनुभव जो है उस अनुभव को देखते हुए हमारा वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर हुआ है, लेकिन यह वैक्सीनेशन भी इस आने वाले वेरिएंट के लिए उपयुक्त है या नहीं, या उसको यह वेरिएंट एस्केप करता है क्या, ये सभी जानकारी रखते हुए स्टेप्स लेना ज़रूरी है। हाँ, अभी तो ऐसा है कि न्यू ईयर है, क्रिसमस है, कई ऐसे त्यौहार है कि जिससे, या कई ऐसे ओकेजन्स है कि जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा आने वाले हैं, तो यह देखना ज़रूरी है कि अगर संख्या बढ़ रही है तो केंद्र शासन का उसके ऊपर जो भी एडवाइजरी होगा या आएगा उसका अनुपालन करना जरूरी है।